अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं आपके लिए रोज़ कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेके आता रहता हूँ माल्टा के मतलब या किसी यूरोपियन यूनियन या यूएसए कंट्रीज़ के मतलब। रोज़ ना कुछ ना कुछ डेली अपडेट देता रहता हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं माल्टा की अब अपॉइंटमेंट के बारे में कि अभी क्या सीन चल रहा है माल्टा की अपॉइंटमेंट का। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें, फिर भाई बहुत सारे कमेंट्स करते हैं या मैसेज करते हैं, उनको समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या फिर शुरू से थोड़ी सी देखते हैं या फिर आखिर से थोड़ी सी देखते हैं। तो काइंडली आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको हर चीज़ की समझ में आ सके। और मैं सबको बताता चलूँ कि भाई अगर किसी को डिक्लेरेशन प्रूफ या फाइल प्रिपेयर करवानी है माल्टा के लिए तो वो भी करवा सकते हैं। और इस वीडियो में मैं एक चीज़ स्पेशल बताने जा रहा हूँ, एक गिव अवे करने जा रहा हूँ, एक ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ आपको जो आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको रिप्लाई विद इन 2-3 डेज आ जाता है कि आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ और इंटरव्यू के लिए। तो वो गिव अवे कैसे करूँगा वो स्पेशल मैं इंस्टाग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, लेकिन उसके लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। अगर ये वीडियो 5K क्रॉस करती है तो मैं आपको गिव अवे कर दूंगा वो लिंक, आप वहाँ अप्लाई करें और अपने लिए जॉब ढूंढें माल्टा में। तो बात करते हैं आज माल्टा की अपॉइंटमेंट के मतलब जो कि यूई की बात करूंगा और इंडिया और कतर की। तो सबसे पहले कतर की बात कर लेते हैं। कतर में अभी करंटली रमज़ान की वजह से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। बहुत सारे भाइयों के मैसेज आए कि भाई कतर में अपॉइंटमेंट चाहिए, तो फिलहाल कतर में अपॉइंटमेंट का कोई सीन नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यूई की, फिर इंडिया की बात करते हैं। तो यूई में सीन ये है कि पिछले 3-4 अप्रैल को अब ओपन हुई थी कुछ दिनों के लिए अपॉइंटमेंट। जैसे कुछ दिनों के लिए हुई तो बहुत सारे भाई पहले से 1 महीने से पहले वेट कर रहे थे, तो सब लोगों ने बुक कर ली अपॉइंटमेंट। तो अब सीन ये चल रहा है कि अभी फुल स्लॉट्स आ रहे हैं, इवन दुबई में हो या अबू धाबी में हो, दोनों जगह पर फुल स्लॉट है। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं माल्टा की तो आप ट्राई करते रहें अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट को ट्राई करें, हो सकता है मिल जाए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा सा वेट कर लें रमज़ान, जैसे ख़त्म होगा रमज़ान तो उसके बाद अपॉइंटमेंट नॉर्मल मिला करेगी जैसे पहले मिलती थी माल्टा की, क्योंकि यूएई में इतना मसला नहीं है। कतर में भी इतना मसला नहीं है, लेकिन यूएई में तो बिल्कुल भी मसला नहीं था, कतर में भी मसला नहीं है। तो थोड़ा सा बात बता दूँ कतर की वीज़ा रेशो क्या चल रही है। तो कतर में इस वक्त बहुत अच्छी वीज़ा रेशो जा रही है माल्टा के लिहाज से। माल्टा की करंटली जो सिचुएशन जा रही है वो बहुत अच्छी जा रही है। हाँ, बहुत सारे भाई पूछते हैं यार पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताओ। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पाकिस्तानियों के लिए बता दूं कि भाई पाकिस्तानियों के लिए कुछ भी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको किसी को जॉब चाहिए या आप अप्लाई करते हैं तो देन आपको CVU लेके फिर आपको CVU के बाद आना पड़ेगा, CVU के अप्रूवल के बाद आना पड़ेगा दुबई में, और दुबई में आके आपको अप्लाई करने पड़ेगी जॉब। तो अगर आप दुबई में आएंगे तो आके अप्लाई करना पड़ेगा, अपना जो वर्क परमिट आपको मिला होगा अप्रूवल लेटर वो CVU के अप्रूवल के बाद आके दुबई में सबमिशन करेंगे, फिर जाके आपका वीज़े का डिसीजन होगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं कि पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन होने जा रही है या कोई पाकिस्तानी को CVU के बगैर कोई अप्रूवल मिलेगी आके सबमिट कर सकते हैं, वो कुछ भी नहीं है। वो भी सिर्फ स्पेशल कुछ काइंड ऑफ अच्छे प्रोफेशन जो हैं उनको दे रहे हैं, उसके अलावा किसी को नहीं दे रहे थे। अब बात कर लेते हैं इंडिया में अपॉइंटमेंट का सीन क्या चल रहा है। तो भाई इंडिया कि अपॉइंटमेंट का सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि भाई कुछ को ईमेल के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल रही है, कुछ को लिंक के थ्रू मिल रही है, कुछ को ऑनलाइन मिल रही है, सब जगह पे डिफरेंट हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रही इंडिया में क्या सीन चल रहा है। तो अब मिल तो रही है लोगों को अपॉइंटमेंट, ये नहीं है कि नहीं मिल रही, लेकिन पहले से सिचुएशन बहुत अच्छी है, वीज़ा रेशियो अच्छा जा रहा है इंडिया में। तो कुछ भाई ये भी पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू हो रहे हैं इंडिया में या नहीं हो रहे, तो उनके मैं बताता चलूँ कि भाई इंडिया में करंटली इंटरव्यू हो रहे हैं लेकिन रैंडमली हो रहे हैं, फ़ोन कॉल पे ही हो रहे हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आपको वो क्वेश्चन चाहिए कि कौन से पूछ रहे हैं तो आप मेरी वीडियो प्रीवियस वीडियो में जाएं, आपको मिल जाएगी क्या क्या क्वेश्चन VFS वाले करते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें क्योंकि इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन बाद में फिर आप पर्सनल भी मैसेज करते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे, तो बेहतर है आप पूरी वीडियो को समझा करें। अगर फिर भी कोई बात समझ नहीं आती तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप अगर किसी को चाहिए तो वो इंस्टाग्राम पर करके कॉन्टैक्ट मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं यहाँ फिर एक बार बता दूँ कि गिव अवे होने वाला है, गिव अवे दूँगा, ऐसा लिंक दूँगा कि आपको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको मिल जाएगा जॉब का लिए रिस्पॉन्स। बहुत सारे वेबसाइट्स पे आप अप्लाई करते हैं लेकिन आपको
रिप्लाई नहीं आता, लेकिन मैं ऐसा लिंक दूंगा कि आपको विद इन 2-3 डेज रिस्पॉन्ड मिल जाएगा। तो इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो लिंक कैसे दूंगा मैं इंस्टाग्राम पे भाई, मुझे आपने अगर 5K इस व्यू आते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते हैं, तो जो भी मुझे भाई इंस्टाग्राम पे मैसेज करेगा तो मैं उसको ज़रूर लिंक दूंगा। सही है, ठीक हो गया, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।